पल पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आदा पल पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 21 अक्टूबर 1989 को एक फिल्म आई थी काला बाजार, उसमें एक गाना था और उस गाने में जो अभिनय किया है कादर खान साहब ने और जॉनी लीवर ने वो वाकई काबिले तारीफ है और वो गाना था कि पैसा बोलता है। आज के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये वाकई उस गाने के जो एक एक बोल थे वो वाकई आज के दौर में बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं, जैसे मानो कि ये इसी दौर के लिए वो गाना लिखा गया हो। पर खैर, बात यहाँ ये करने के लिए मैं आप लोगों से जुड़ा हूं कि 2019 लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और उसको लेकर के सारी पार्टियों की सरगर्मी भी तेज हो गई है। जहां हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं कि चुनाव आयोग और मोदी के कनेक्शन के बारे में और दूसरा के किस हिसाब से लोगों को बरगलाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है जिससे 2019 में फायदा उठाया जा सके। खैर, ये तो उन लोगों को तैयारी करनी भी पड़ेगी और उन लोगों का तैयारी करना भी यहाँ जरूरी होता है क्योंकि वो लोग चुनावी मैदान में हैं। पर सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर यहाँ ये है कि जो लोग चुनावी मैदान में नहीं हैं, वो लोग भी इस तरीके के हथकंडों को अंजाम दे रहे हैं जिसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं और वो खबरों को हम लोगों के सामने परोसा जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है और सिर्फ वही खबरें आप लोगों के सामने दिखाई जा रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटिव है। तो जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, ये बता दिया कि 7 चरणों में चुनाव होंगे, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में एक ही दिन पर चुनाव रखे गए हैं, तो वहीं हर कोई हैरान है और चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है कि आखिरकार ये जो मेन राज्य हैं, इधर एक ही साथ चुनाव कराने का आप लोगों का क्या निर्णय है, क्या ये तारीखें आप लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधान सेवक ने मिलकर के तो आप लोगों के साथ नहीं बनाई है। पर इन सवालों का जवाब अभी तक किसी को मिल नहीं पाया है और इलेक्शन कमीशन ने जो भी तारीखें चुनी हैं वो वाकई उसके निसंदेह उसका पालन करा जाना चाहिए क्योंकि संविधान के हिसाब से जो निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दिया उसे हर कोई मानने के लिए तैयार है। तो वहीं गोदी मीडिया चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इतना बावला हो गया कि उसने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एबीपी न्यूज की, जो आपको सबसे आगे रखता है और इतना आगे तक रख दिया है कि अब जो हमारी लोकसभा 543 सीटें हैं उसमें एनडीए की उन्होंने 564 सीटें घोषित कर दी हैं। ताज्जुब हो गया होगा आप लोगों को भी ये सुन करके, 543 सीटें हम लोगों की लोकसभा में हैं और 564 सीटें एनडीए को आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो तस्वीर आप लोगों के सामने दिखाई जा रही है उसमें जो न्यूज एंकर हैं उन लोगों को बखूबी जानते हैं कि वो लोग किस तरीके से इन तथ्यों को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, इस फोटो के साथ रूबिका लियाकत वायरल हो रही हैं और रूबिका लियाकत किसी से छुपा हुआ नाम नहीं है जो सिर्फ नफरत परोसना जानती हैं और नफरत को कैसे बढ़ावा दिया जाता है वो इन मैडम को बखूबी मालूम हो चला है। जब तक जी न्यूज में थी तो यही ताल ठोक करके झूठ बोले जा रहे थे और नफरत जी भर कर परोसी जा रही थी। मास्टर स्ट्रोक से पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के निकाले जाने के बाद
एबीपी न्यूज से रूबिका लियाका जुड़ी और मास्टर स्ट्रोक को इन्होंने करना शुरू कर दिया और उसके बाद एबीपी न्यूज किस राह पर और किस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो हमें और आपको बखूबी मालूम हो चला है कि सिर्फ पैसा बोलता है। जो मैंने शुरुआत में आप लोगों से बात कही कि वाकई पैसा इतना बोलने लगा है कि जो हमारी 543 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से 564 सीटें एनडीए की घोषित कर दी गई हैं सिर्फ पैसों के दम पर। पैसा बोलता है, इतना बोलता है कि किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि दुगना तिगना सीटें ज्यादा मिल सकती हैं, बढ़ा चढ़ा करके आंकड़े आप लोगों के सामने पेश किए जा सकते हैं। पर 564 सीटें हैरान कर गया और लोग सोशल मीडिया पर तमाम बातें एबीपी न्यूज के लिए अब लिखने लगे हैं और इनको आड़े हाथ लेने लगे हैं। और यहां सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि अब 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और जिस हिसाब से ये मीडिया, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया या यूं कहें मेरे अंदाज में जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो बिल्कुल उतावला हो रखा है और आप लोगों के सामने वही खबरें दिखाना पसंद करेगा जो भारतीय जनता पार्टी के हक में जाएंगी, जो भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को बरकरार रखेंगी। तो आप लोग भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए कि किस हिसाब से आप लोगों को खबरें देखनी है या किसी भी खबर को आपको जानना है तो सोशल मीडिया पर जाकर के एक बार फैक्ट एंड फिगर चेक कर या कीजिए और तब जाकर के इन लोगों से, इन्हीं के डिबेट में जाकर के अगर आप सवाल पूछेंगे या इन लोगों को घेरने की कोशिश करेंगे तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मौजूद है। अगर आप मोदी की आलोचना करते हुए इनके डिबेट में पाए जाएंगे तो आप लोगों को देशद्रोही या देश का गद्दार घोषित करना तो अब आम बात हो चली है, वहीं आपके साथ हाथापाई शुरू कर दी जाएगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मुल्क को आजाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं, इस बीच हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं। इन बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए देखते रहिए सियासतनामा पल पल न्यूज पर। मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सच है क्या? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोर बेल को दबाएं। पल पल न्यूज ने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। 10 लाख का फिगर मामूली नहीं होता है और ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए खुशबू अख्तर और नदीम अकरम, ये दोनों भाई बहन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि ये लोग और तरक्की करें और इनका पल पल न्यूज़ और ज़्यादा मकबूल हो। अभी जो इन्होंने जो कुछ अचीव किया है वो अपने आप में बड़ी कामयाबी है, लेकिन मैं इन लोगों से ये कहूँगा कि इसे सिर्फ एक पड़ाव के तौर पर लें, अभी इन्हें बहुत आगे जाना है। इंशाल्लाह ये बहुत बहुत सारे बहुत कुछ अचीव करेंगे। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर,
वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं, इस बीच हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं, इन बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए देखते रहिए सियासतनामा पल पल न्यूज़ पर।